अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप खैरियत से होंगे। वीडियो कुछ और है और मैं स्टार्ट कहीं और से ले रहा हूँ। आप भी सोच रहे होंगे क्या कर रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सारा किस्सा क्या है और हमारे साथ क्या हुआ और क्या ट्रेजेडी हुई छोटी सी हमारे साथ। छोटी सी नहीं, वैसे मेरे लिए तो बहुत बड़ी, यू नो आई एम अ स्टूडेंट पर्सन। तो साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट देखिए, और आपको भाई वॉइस ओवर और कमेंट्री तो करने में माहिर है तो वो फिर करता रहेगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका भाई जा रहा है आपको कहीं घुमाने, और कहाँ जा रहा हूँ टाइटल आपने पढ़ा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम मज़ार की सैर करवाएंगे। हज़रत बाहू सुल्तान, जो कि यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर है, तो उधर ही मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ। अभी मैं निकलने लगा हूँ घर से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं अपना दर्शन कम करवाऊँगा और आज आपको चीज़ें ज़्यादा दिखाऊँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी बनेगी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं तो कुछ कंटेंट तो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा उधर ही चलते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं हज़रत सुल्तान बाहू, जो कि हमारे बहुत बड़े यानी कि वलीद है, अल्लाह ताला के बहुत बड़े वलीद थे। उनकी मज़ार की सैर करवाएंगे और वहाँ की शान और शौकत आपको सब दिखाएंगे, तो उधर ही चलते हैं। बाप के दरबार पर पहुँचे हैं, जो कि हज़रत सुल्तान बाहू के यानी कि वालदैन की मज़ार बना हुआ है, और अभी हम इसका अंदर से भी आपको दिखाएंगे और अभी अंदर चलते हैं। अच्छा जी, तो माई बाप के दरबार पर हम गए, घर से निकला, माई बाप के दरबार पे पहुंचे। वहां पर जो हमारे साथ सबसे पहले बड़ी ज्यादती हुई, हम इतना सफर करके गए और उन्होंने वीडियो हमें नहीं बनाने दी अंदर से, यानी कि नहीं बनाने दी, बाहर तो हम अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, हम बना सकते थे, तो अंदर उन्होंने वीडियो तो मिसार के अंदर नहीं बनाने दी। तो फिर भी आपके भाई ने थोड़ी सी टेक्निक्स, लड़ा लड़ो के मोबाइल हाथ में पकड़ के, थोड़ी बहुत जो मैं आपको दिखा सकता था आपने पीछे देखा वो मैंने बना ली। तो उसके बाद फिर हम निकले हैं जी सुल्तान बाहू यानी हज़रत बाहू सुल्तान के मज़ार के लिए, उनके मज़ार पर जाने के लिए। तो सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया, आगे देखिए आगे क्या होता है।
जी तो अभी हम पहुंचे हैं दरिया पर, रास्ते में ही हैं, माई बाप के दरबार पर गए थे और वहां से वापस आ रहे हैं, यानी कि बाऊ सुल्तान जा रहे हैं। कहते हैं कि पहले अगर बाऊ सुल्तान जाना है तो माई बाप के दरबार पर जाना पड़ता है, और अभी हम दरिया के पुल पे पहुंचे हैं और मछलियां भी लोग पकड़ रहे हैं और दरिया खुश्क हुआ पड़ा, थोड़ा बहुत पानी है ये देख सकते हैं आप, और गर्मी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन सीन बहुत खूबसूरत है तो मज़ा भी आ रहा है। अभी हम आगे जा रहे हैं, पहले मैं यहाँ का आपको थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। गन्ने का जूस बन चुका है, अभी मैं उधर जा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं दरबार की तरफ, जो हमारा मेन मकसद था आपको दिखाना उधर चलेंगे। ये जनाब है मेरे साथ गजन पर, हम आए उनके, चलो आपको दिखा देता हूँ, दिखाने का प्लान नहीं था। गन्ने का जूस वाकई में बहुत टेस्टी बना हुआ है, लेमन वगैरह भी डाले हुए हैं, अदरक भी है और सब कुछ है। अच्छा जी, तो गजनफर और मैंने पिया जी गन्ने का रस दरिया के पुल पे खड़े हो गए, और फिर से हम निकल पड़े हजरत बाऊ सुल्तान के मज़ार पर पहुंचने के लिए। आखिरकार बाइक चलाते 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 हम पहुंच गए जी हज़रत सुल्तान बाहू के शहर में, उनके मिसार के पास समझ लें। और आगे आप जितना भी रश देखेंगे, जितनी भी गाड़ियां देखेंगे, वो सब की सब जो है ना, सिर्फ मिसार पर ज़्यारत करने के लिए और हाज़िरी देने के लिए, यानी उनके वो क्या कहते हैं, मुरीद आए हुए हैं और डिफरेंट इलाकों से, यानी कि लोग आए हुए हैं उधर ज़ियारत करने के लिए। जितनी भी आप आवाम और बसें देखेंगे, इतना ज़्यादा रश था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप खुद देखें। Thank you.
जी तो रश आपने देखा कि कितना ज्यादा रश था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा रश होगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो गलती मैंने की वो ये कि जुम्मे का दिन था और जुम्मे वाले दिन चले गया तो रश और भी ज्यादा बढ़ गया। तो दूसरा, जब मैं मिजार पर पहुंचा तो मेरे सर में घड़ा टूटा कि उन्होंने कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते, कैमरा हमें दें और फिर मिजार के अंदर जाएं। मैंने कहा लो जी सारा क्रियाक्रम खत्म। असल में मसला ये था कि हमारा पाकिस्तान का एक ना सिस्टम इस तरह का है, जिसका जहां तक जोर चलता है ना वो वहां तक चलाता है। तो हम दूसरों को मुफ्त में ब्लेम करते रहते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े, मैंने उन्हें कहा कि बस 10 सेकंड के अंदर से वीडियो बनाने दें, मैं ये दिखा दूं कि मिजार किस तरह का दिखाई देता है। तो उन्होंने वो भी नहीं बनाने दी। बस एक वो ना उनमें ईगो सी होती है, मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूं। कुछ उनको ऊपर से भी दी जाती है इंस्ट्रक्शंस के वीडियो नहीं बनाने देनी, और लेकिन इसमें कुछ जा नहीं रहा था मेरे ख्याल में उनका। तो कुछ वो अपनी ईगो में आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है भाई, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये वो, चलो जो भी था, उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, यही मैं वहां आपको दिखा सका। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ। चलो जी, वहां से अल्लाह अल्लाह करके हम वापस निकले। और आप जो जो लोग गए हुए हैं पहले बहो सुल्तान के मज़ार पर, तो आपको पता होगा कि एक मज़ार बना हुआ है और एक और भी मज़ार है, थोड़ा सा सेपरेट है वहां से, और मस्जिद भी बनी हुई है। फिर हम वहां आए, वहां पर हमने नमाज जुमा पढ़ी, और आपको भी दिखाते हैं कि वहां क्या सिचुएशन बनी। वहां भी असल में हमारे साथ यही किया गया कि हमें सारी वीडियो नहीं बनाने दी गई। वहां भी उन्होंने यही कहा कि हमें ऑर्डर्स नहीं है, ये वो जो ऊपर नीचे मारते हैं बातें वही मारी, और उन्होंने हमें वीडियो नहीं बनाने दी। मुझे सारी मखलूक में से सबसे ज्यादा खौफ वाला बना, और इतना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा का अन्नी। जी तो अभी हम वापस जा रहे हैं और सारी स्टोरी मैं कहीं आपको बैठ कर बताऊंगा कि क्या हुआ हमारे साथ और क्या ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, सारा कुछ मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा कि बाइक पे हूँ श्योर होगा। तो ये कुछ आखिरी लम्हात थे जो मैंने ऑन कैमरा रिकॉर्ड किए थे कि आपके साथ बाद में सब कुछ शेयर करूंगा, और वैसा ही हुआ। मैं कुछ भी सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। इतना ज़्यादा सफ़र करके ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, और देहातों में 50 किलोमीटर सफ़र करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं गया वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा जैसी भी बनी आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आपका भी एक्सपीरियंस हो जाए कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई जाना चाहता है वीडियो बनाने के लिए तो क्या सीन होता है वहाँ पे। तो हम वापस आ गए घर को, और उन्होंने हमें सही से वीडियो नहीं बनाने दी। सही से क्या उन्होंने बनाने ही नहीं दी। तो बस यही जो ट्रैवलिंग थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो उसके लिए सॉरी, और अगर मेरी एफर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।